दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला प्रतिवाद मार्च। दरभंगा दरभंगा जिला गंगा समिति द्वारा घाट पर योग का हुआ आयोजन। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा अभियोजन कोषांग से संबंधित कार्यों की हुई समीक्षा। पब्लिक स्कूल दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के स्मार्ट बाजार में हुई घटना के बाद दहशत का माहौल, पुलिस सतर्क, चार गिरफ्तार। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में एक महोत्सव के रूप में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। केवटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर में सीएचओ कुमारी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। में आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आरक्षण के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। वहीं इस प्रतिवाद मार्च में राजद के नेताओं ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर आरोप भी लगाया। 65% आरक्षण दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को देने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने किया था। आज कहीं ना कहीं बिहार सरकार वहाँ पर अपना पक्ष, मजबूत पक्ष रखने में नाकामयाब रही है और जो आरक्षण के आधार पर 65% बढ़ाया गया था उसको कहीं ना कहीं जो न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया है, आज उसी के विरोध में हम लोग सड़क पे उतरे हैं। उन दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यकों की आवाज़ में हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं कि जो आरक्षण लागू हुआ था वो आरक्षण यहाँ की जातीय जनगणना के उपरांत ही लागू किया गया था और इसकी आवश्यकता है इस समाज में। उसी के समर्थन में हम लोग सरकार से गुहार कर रहे हैं, न्यायालय से गुहार कर रहे हैं और हमारे नेता ने कहा है अगर राज्य सरकार इस रद्दीकरण, इस कानून का जो रद्दीकरण हुआ उसके विपक्ष में, विरोध में नहीं सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हमारी पार्टी और हमारे नेता इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी सत्ता में थे तो ये आरक्षण 65% किया गया था, लेकिन जब से यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी है, बीजेपी और जदयू की जो सरकार बनी है, ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है और यहाँ जो है मतलब 65% आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, इसी को लेकर के आज हम लोग जो है आक्रोश मार्च। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा शहर के दिग्घी तालाब घाट पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, जिलाधिकारी राजीव रोशन, मेयर अंजुम आरा एवं पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सनी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा नदियों, तालाबों, जल स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य को नदियों, तालाब, जल स्रोतों से आम जनमानस का जुड़ाव बढ़ाने हेतु घाट पर योग का आयोजन किया गया। अवसर पर ऐतिहासिक दिग्घी तालाब के तट पर योग का अभ्यास किया गया। ये संदेश देने का कार्य है पूरे देश के लिए, पूरे जिला के लोगों के लिए कि योग का जो महत्व है स्वास्थ्य के लिए, साधना के लिए, वो संदेश अब भारत से निकल करके दुनिया के सारे देश अपना रहे हैं और ये भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि योग को एक नई पहचान मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी देशवासी को, जिलावासी को, सभी को बहुत सारी शुभकामना देना चाहेंगे, ये संदेश देना चाहेंगे योग के करे योग रहे निरोग। और हमारा यह देश ऋषि मुनियों का देश है, योग, ध्यान, तपस्या आदि अनादि काल से जो है हमारे देश की परंपरा रही है और इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दिलाने का काम
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज पूरा देश, पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मना रहा है और हम भी सभी से अपील करते हैं कि रहे। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के दिए गए आदेश के आलोक में आज वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा अभियोजन कोषांग से संबंधित कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन हेतु अभियोजन कोषांग प्रभारी एवं दरभंगा जिला के सभी थाने में गठित अभियोजन कोषांग प्रभारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समन, जमानतीय वारंट, गैर जमानतीय वारंट, इश्तेहार, कुर्की कांड, दैनिकी का निष्पादन समय अनुसार करने हेतु निर्देशित किया गया। आज पहली बैठक है और उन लोगों को जो रजिस्टर खोला गया, खोलने के लिए बोला गया, अच्छे रजिस्टर है जो माननीय न्यायालय द्वारा केस जजी समन्स वारंट इश्तेहार कुर्की जो आता है उनका एंट्री करना है और उसका मामला करने में मदद करना है और उसको वापस किसी सिस्टम में भेजना है ताकि जो ट्रायल प्रोसेस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उसको फास्ट और आगे बढ़ाना, उसके क्रम में हमने वहाँ मीटिंग किया ताकि ऊपर पुलिस महानिदेशक महोदय का भी निर्देश है कि 20 दिन के अंदर संबंध वारंट इश्तेहार कुर्की का निष्पादन करना है, तो इसका भी निर्देश हमने उनको बता दिया है और उसको रेगुलर मीटिंग होगा और हम लोग मॉनिटर करेंगे। सर, क्या अलग अलग जो कोषांग है उनका अलग अलग किस तरह से आपने? थाना में हम लोग अभी 10 कोषांग खुले हैं और कुछ पदाधिकारी जो एक एक कोषांग के लिए एक पदाधिकारी चिन्हित किया गया है और उनका दायित्व हमने बता दिया है कि जैसा लोक शिकायत प्रभारी है, CCTV शाखा है और किसी प्रभारी है, महिला हेल्प डेस्क है, इस तरह का हमने अनुसंधान का है, लॉ एंड ऑर्डर है, 10 कोषांग खोला गया है। उस 10 कोषांग को हम लोग रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं पुलिस यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस। शुक्रवार को पब्लिक स्कूल दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय के सचिव डॉक्टर बीके मिश्रा, निदेशक राहुल मिश्रा एवं विद्यालय के सभी बच्चों ने भाग लिया। वहीं योग के महत्व को बताते हुए प्रधानाचार्य ने इस अवसर पर छात्र छात्राओं को योग करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही योग शिक्षक ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के आसन बताए और उसके प्रदर्शन करवाया। मैं रविशंकर प्रसाद पब्लिक स्कूल दरभंगा में शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज योग दिवस मनाया गया जिसमें हमारे सेक्रेटरी सर डॉक्टर विनोद मिश्रा सर, हमारे निदेशक सर डायरेक्टर सर जो कि हमारे राहुल मिश्रा सर हैं और हमारे प्रधानाचार्य सर जो कि राजा राम चौरसिया सर हैं, एकेडमिक डायरेक्टर मैम अनिता भट्ट मैम, चारों ने बच्चों को योग के लिए प्रेरित किया, संबोधन किया, बच्चों को उत्साहित किया और बच्चे बहुत ही ज़्यादा उनके स्पीच से संबोधित हुए और बहुत। दरभंगा के नेशनल सिनेमा स्मार्ट बाजार में मारपीट की घटना घटने के बाद कोतवाली थाना को लोगों ने घेर लिया। वहीं कोतवाली थाना को घेर कर न्याय की मांग करने लगे। आपको बता दें कि मोहम्मद जिलानी की हालत काफी गंभीर है और वह कोमा में है जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। पुरानी मुंसिफ के रहने वाले शाहनवाज और साहिल के साथ उनकी छापेमारी के लिए पुलिस कार्य कर रही है। पुलिस पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में भी लिया। गौरतलब है कि स्मार्ट बाजार में खरीदारी के दौरान दोनों युवक के बीच झड़प हुई थी जो CCTV कैमरे में कैद है। उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। कल शाम का है, कल शाम एक नवयुवक जिसका नाम मोहम्मद जिलानी है और उनकी माँ का नाम जफरा खातून है, वो लड़का जिलानी जो स्मार्ट बाजार है वहाँ कुछ खरीदारी के लिए आया हुआ था। अंदर बाजार के अंदर ही जो CCTV में दिख रहा है कि जो रैक्स होते हैं सामान के उनके आसपास कुछ लड़कों में मामूली सामान लेने उठाने के क्रम में धक्का मुक्की हुई है, धक्का रख किया है, इस तरह की मामूली घटनाएं हुई हैं। उसके बाद देख लेने की बात कही गई कि बाहर ले तो देखा जाए और वो लड़का बाहर आया। बाहर आने के बाद स्मार्ट बाजार के कैंपस के जस्ट बाहर थोड़ी दूर रोड के उस तरफ उस पर कुछ लड़कों के द्वारा घेर कर हमला किया गया है। उस पर हमले में उसे सीरियस चोटें आई हैं, बांस वांस से उसे मारा गया था, बांस की चोटे से सर पर वार किया गया था। इसके पश्चात लोग थाने पर आते हैं, थाने पर आकर पुनः अक्सर लोग कुछ लोग ऐसे भी थे जो समझौते की बात कर रहे थे लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल ही कांड दर्ज किया है संगत धाराओं के अंतर्गत और लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि चोट सीरियस थी, उसके वर्तमान में वो बारह अस्पताल में एडमिट है। शुक्र
शुक्रवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग योग सेशंस का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार झा एवं प्राचार्य अनुराधा भी उपस्थित रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मायसेल्फ शिमला शकूर फ्रॉम स्टैंडर्ड 10C ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा स्टैंडिंग बिफोर यू ऑल। जैसा कि हम सभी जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज बच्चे हो या बूढ़े या जो भी इंसान जो कुछ काम करते हो, आज उनकी ज़िंदगी में छोटी मोटी समस्याएं होती ही रहती है जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इन सब का अगर कोई सॉल्यूशन या उपाय है तो वो योगा है। योगा हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है और हमारे शरीर को इतना शांत रखता है। अगर हमें कोई सी भी थकान है या कोई सी भी दिक्कत है तो वो हम उसे योगा की मदद से दूर कराएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग को जन सामान्य की दिनचर्या का अंग बनाना है और प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए योग से परिचित कराना है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था स्वयं एवं समाज के लिए योग। वहीं इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर में CHO कुमारी की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योगा शिक्षक नीतीश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं योग शिक्षकों ने बताया कि योग पर सार को आत्मसात करते हुए आपको सचेत सांसों, सुंदर आसनों और आंतरिक शांति से जीवन में स्वास्थ्य वर्धक होगा। इस अवसर पर CHO कुमारी मनीषा आशा फैसिलिटेटर रीता झा कई आशा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण आदि लोग मौजूद रहे।